समस्तीपुर रेल मंडल के 9 स्टेशनों और 19 आरओबी तथा अंडरपास के निर्माण की शुरुआत की गई। यहां आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपस्थित रहे। 554 रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत स्टेशनों का पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण और वहां कई सुविधाओं का आज लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है और कहीं कहीं उसका कार्यारंभ हेतु शिलान्यास भी किया गया है। अंडरपास भी 1500 से ज्यादा और आरओबी दोनों मिलाकर शिलान्यास और उद्घाटन आज हुआ है। बेतिया और सुगौली में अंडरपास का शिलान्यास किया गया। इधर कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत 9 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। 16 करोड़ 16 लाख से मुंगेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, डीन इर्मी के अनिल कुमार द्विवेदी, मेयर कुमकुम देवी, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के विकसित करने की योजना का आज वो शिलान्यास कर रहे हैं और इसके साथ साथ 1500 रेल ओवरब्रिज, आरओबी और अंडरपास का भी शिलान्यास आज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है। सहरसा में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से समस्तीपुर रेल मंडल के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जो अमृत काल में जो ये स्टेशन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रहा है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है, अब बड़े तेजी में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, पूरा बन भी रहा है नया, तो ये हम लोग के लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन और भी स्टेशन के अलावा रहेगा। पूर्णिया के बेलोरी में रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया। ब्रिज के निर्माण में 44 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया रेल के क्षेत्र में काफी पीछे था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से अमृत भारत स्टेशन में पूर्णिया के बनमनखी रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी बेलोरी से सोनौली पथ पे जो आरओबी पड़ता है, रेलवे गुमटी है, इस गुमटी पे 44 करोड़ 86 लाख के लागत से आज आरओबी का शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से यह जब निर्माण हो जाएगा तो जाम की समस्या से निताज मिलेगा, जो निरंतर यहाँ जाम लगा रहता था उससे हम लोगों को निताज मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर 12 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इससे मोतीपुर स्टेशन को विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इसे मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, क्षेत्र के विकास होगा, हमारे घाटी का विकास होगा, मोतीपुर का विकास होगा। इसमें प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद, उनके रहते हुए हम लोग के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो रेल मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लखीसराय में भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्य का लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा और निकट भविष्य में आप लोग जो है इसके साक्षी रहेंगे कि ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर लिया जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण क्रिया आज का दिन है। वहीं सारण जिले में एकमा में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात दी गई है। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से एकमा स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। इसका जो हुआ यह हम कभी बोल नहीं सकते, आज के दिन को हम स्वर्ण अक्षरों में इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए लिखेंगे। विकास की जो गाड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, उसको भी हम उससे आईने से देखने का काम करेंगे। यह हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई बात नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।